नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासफोर, प्रेसिडेंट ऑफ सफाई कर्मी जाति स्टूडेंट यूनियन। मैं 17 नवंबर को यानी आज के दिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको मुझे बहुत सारी खुशखबरियाँ देनी है। सबसे आपको, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे छठ पूजा के दिन CM साहब ने मुझे बुलाया था और CM साहब को मैंने कुछ डिमांड्स दिए थे और मैंने कहा वो डिमांड्स पूरा कीजिए, और उन सभी डिमांड्स में एक डिमांड कल के दिन में पूरा हुआ है दोस्तों। हाँ, कल आसाम कैबिनेट की मीटिंग हुई, असम सरकार कैबिनेट मीटिंग हुई और हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के जो पैसा था, जो म्यूनसिपैलिटी में जो हमारे सफाई कर्मी और म्यूनसिपैलिटी के जो स्टाफ का जो सैलरी बचा हुआ था, जो बाकी पैसा पेंडिंग सैलरी है, यानी उनको बहुत महीनों से जो पैसा नहीं मिला था, उसके लिए फंड कल रिलीज हो गया है दोस्तों। 98 करोड़ रुपीज़ असम सरकार ने, 98 करोड़ यानी करीब 100 करोड़ रुपये असम म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारियों के लिए कल इशू किया है वो पैसा। और वो अब आप हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं, जहाँ जैसे कि डिब्रूगढ़ में बहुत सालों से वहाँ के सफाई कर्मियों को सैलरी नहीं मिला है, बोकाजान में 5 सालों से सफाई कर्मियों को सैलरी नहीं मिला है, तो अब ये पैसा से उन्हें वो सैलरी मिल जाएगा। तो मैं असम के सभी सफाई कर्मियों को कहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि असम सरकार ने म्यूनसिपैलिटी का पैसा 100 करोड़ निकाल दिया है सफाई कर्मियों के पुराने पैसा यानी पेंडिंग सैलरी के लिए। तो असम सरकार को मैं धन्यवाद जताता हूँ कि उन्होंने एक डिमांड पूरा किया, और करीबन बहुत सारे संगठनों ने भी कहा था कि ये पैसा मिलना चाहिए, तो 98 करोड़ रुपीज़ असम के सफाई कर्मी म्यूनसिपैलिटी के पौरसभा के सफाई कर्मियों के लिए पैसा आ चुका है, आप लोग को जल्द मिल जाएगा 2-3 दिनों के अंदर, और आप लोग अपने अपने चेयरमैन और अकाउंटेंट से बात करें। दूसरी जो अच्छी खुशखबरी यह है दोस्तों कि हमने काफ़ी महीनों से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि असम में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कोकराझार, धुबरी, गोलपड़ा, शिवसागर, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर आइडेंटिफाई नहीं हुए, यानी मैनुअल स्कैवेंजर है कि नहीं वही अभी तक पता नहीं चल पाया उन डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से उन्हें जो 40,000 रुपये जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिल रहे थे। तो आज कार्बी आंगलोंग से मुझे फ़ोन आया, वहाँ के ऑफिसर से मेरा बात हुआ है, कार्बी आंगलोंग में मैनुअल स्कैवेंजर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो गया, और कार्बी आंगलोंग में कार्बी आंगलोंग से 100 लोगों का नाम कल तक पहुँच जाएगा जिनको 40,000 रुपये नहीं मिले, मतलब वो मैनुअल स्कैवेंजर आइडेंटिफाइड नहीं हुए थे, तो वो मैनुअल स्कैवेंजर का आइडेंटिफिकेशन उन्हें कल तक कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के सफाई कर्मियों को मिल जाएगा। ये अच्छी खबर है, आगे जाके कोकराझार, धुबरी ये सब डिस्ट्रिक्ट और बोरपेटा में भी ये सब चीज़ होंगे। तीसरी सबसे अच्छी खुशखबरी ये दोस्तों कि मुझे आज ही सुबह फ़ोन आया वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से एक हमारे सफाई कर्मी का, जिनको स्कूल से उनका प्रिंसिपल उनको काम से हटा रहा था। जैसे मुझे खबर आया, मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया, बंगाल के उस अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल से, और मैंने क्या बात किया वो मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो हो सकता है वो तरीका थोड़ा धमकी भरा हो, लेकिन उस लड़के का नौकरी बच गया और उसे अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के उस प्रिंसिपल ने उसे काम में रख लिया, उसे काम में नहीं हटाएगा। तो ये एक फ़ोन से भी बंगाल में हमने ये आज काम कर दिखाया है। तो ये तीन बात हो गई, और चौथी एक खुशखबरी है दोस्तों कि मुझे जो 20 तारीख को मैं जो आंदोलन करने वाला था अपने सफाई कर्मियों को लेके गुवाहाटी में, उसका डेट चेंज होगा, 20 तारीख को अब वो नहीं हो पाएगा, 20 नवंबर को ये हमारा आंदोलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल ही मुझे CM ऑफिस से मैंने बात किया है, और चूँकि आपको मैंने कहा भी था कि जब मैं आंदोलन करूँगा तो CM साहब से वो ऑर्डर भी निकालूंगा बाकी डिमांड्स के लिए सफाई कर्मी अपनी जाति के लिए। तो CM साहब के ऑफिस से बात आया है मुझे कि 20 से 27 प्रोग्राम नहीं करने के लिए, क्योंकि CM साहब दिल्ली में रहेंगे, गुवाहाटी में नहीं रहेंगे। तो अब हमारा जो अगला डेट है 20 नवंबर को नहीं करके अब हम लोग करेंगे 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को हमारे सभी जाति का प्रोग्राम जो 20 तारीख को था, वो 4 दिसंबर को सभी जाति के लोग आएंगे। दोस्तों ये 4 बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ थी। अब पांचवी और आखिरी खुशखबरी ये है कि 11 दिसंबर को असम का मैच, असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट मैच बंगाल के कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट के साथ होगा, कूचबिहार में होगा वो मैच, और वो मैच देखने के लिए मैं खुद वहाँ रहूँगा। 11 दिसंबर को मैं खुद वो मैच देखने के लिए कूचबिहार में आ रहा हूँ, कूचबिहार में रहूँगा, और वो पहला मैच है जो असम और बंगाल के बीच दोस्ती करने के लिए मैच होगा, कूचबिहार और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट।